ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਗਲਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ 25,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, 25,000 ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਸੀ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੀ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ 25,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਰੁੱਖ ਫਗਵਾੜਾ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਉਧਰ ਵੀ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਆਪਣੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੁਵਾ ਵਰਗ ਦੇ ਲਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 25,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ 25,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ? इस तरह शर्मा जी की बहुत वधिया ऐलान है, जिस तरह लोगों ने बदलाव की आंधी लिया के एक मेजोरिटी दिंदा आम आदमी पार्टी सरकार बनाई है, उसके नाल जो लगता सी देखन नूं कि वह कुछ ना कुछ काम करेगी, पहला ही ऐलान बहुत वधिया है कि जेड़े लोग बच्चे नशे की दलदल च फसे हुए ने, उन्हों को कारोबार कोई नहीं सी, हुण उन्हां नूं नौकरियां मिलणगियां, वो काम करते जाणगे ते नशियां नूं तो रहत होणगे। और ये वड्डा ऐलान तो हो चुका है और उन्होंने कहा भी एक महीने के अंदर नोटिफिकेशन हो के जरा इस अमली जामा पहनाया जाएगा, पर एक शंका यह है कि जिदा अगे नौकरियां दे विच हुंदा है कि करप्शन जिहड़ी आ बहुत वड्डे पद्धर से हुंदी आ जां सिफारशा बहुत वड्डे पद्धर से हुंदियां, वो जिहड़ा अंदेशा जिहड़ा हैगा वो निर्मूल साबित होवे। मैं कहांगा कि सही बंदियां नूं, योग व्यक्तियों नूं नौकरी मिले और ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਹੈ? देखो जी, सब तो पहलों मैं ये कहना चाहूँगा जी, कल जी इन्हों की कैबिनेट मीटिंग हुई है, वो इन्होंने वादा किया कि असी 25,000 नौकरियां देवे कि जोड़े साढ़े युवा वर्ग के लोग हैं वह जोड़े बाहर यूरोप के कैनेडा वगैरह इटली जाते हैं उन्होंने रोकने वास्ते इतने इन्होंने नौकरियां देन का आश्वासन दिता वा। बट जे देखा जाए तो ये एक तरह का लोलीपॉप तो नहीं लगता सानू, भी जे इन्होंने इन्ने वादे किए आ, लोगों ने इन दे वादियां नूं देख के ही इन्हों वोटां पाईया, इन्हों जताया और इन्होंने आश्वासन दिता है और सानू लगता है कि ये नौकरियां देंगे जरूर। बाकी देखो नवी नवी सरकार आई है और हाले कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बहुत वड्डा फैसला लिता गया आम आदमी पार्टी पंजाब सरकार वालों 25,000 नौकरियां देन दा। मैं समझदा कि इन्हां नौकरियां नाल जेड़े बच्चे बाहर नूं भज रहे हैं इस नौकरियां नाल इत्थे रहणगे ते वड्डे अपने काम वल देखणगे। ये बहुत वड्डी खुशी दा दिन अज नौजवानां लई। पंजाब दे मुख्यमंत्री ने बड़ा साफ ऐलान किया है कि किसी नूं भी कोई रिश्वत या इस तरह का कोई भी नौकरी लैण वास्ते उन्हां दे कोल नहीं जा सकता, ना उन्हां नूं प्रयोग करनगे। योग्यता दे आधार दे नाल नौकरी होगी, उन्हां दी पढ़ाई लिखाई दे आधार दे नाल नौकरी होगी, लेकिन पंजाब दे हालात फाइनैंशली बुरे हालात हैं, लेकिन फिर भी 25,000 नौकरियां देण दा ऐलान है। इस तरह की आम आदमी पार्टी ने एक बहुत जबरदस्त लैंडस्लाइड विक्ट्री लई है, 92 सीट्स हैगी है। सब तो पहला तो असी अपनी आम आदमी पार्टी नूं बहुत वधाई दे पात्र हैगी है कि उन्होंने जो किया सी वो करके दिखाया है, तो उन्होंने अनाउंसमेंट तो बहुत की हैं, इवन की पार्टी बनने तो पहले ही शुरुआत हो गई है, तो लोगों जिस हिसाब से उन्होंने विक्ट्री लिती है लोगों की इन्नी आसा बढ़ गई हैं हुण कि उन्होंने हुण काम पूरे करने ही पैणगे। उन्होंने 25,000 नौकरियां का पहले आते सर पहला ऐलान किया है, लोगों के होर भी आसा बढ़ गई हैं, जिस तरह बिजली के बिल भी काफ़ी उन्होंने माफ़ कर दते हैं, काफ़ी काम कर रहे हैं, कुछ रेट वगैरह भी कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ने भी चौकस किया है उन्होंने, तो हर तरह की कोशिश कर रही और लोगों की आसा इन बढ़ गई हैं कि उन्होंने इस पार्टी को काम हूँ करने ही पैने हैं। इन्हों नहीं जिड़ी भी पार्टी पंजाब जाएगी ये सारे लिए जरूरी होएगा कि हूँ जो तुम काम करना जो राज करना तो थानू काम करने ही पैणगे और सानू भी भगवंत मान जी तो बहुत आसा ने कि वो साढ़े पंजाब लई एक मील पत्थर साबित करेंगे।
दिल्ली की तरफ से करेंगे। लोग है उन्होंने लोगों का कहना है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी तो बहुत बड़िया आसा बहुत बड़िया उम्मीदा पंजाब के मुख्यमंत्री तो भी बहुत बड़िया उम्मीदा जी उन्होंने है और उन्होंने यह भी कहना है कि पंजाब के जी आम आदमी पार्टी आई है वो अपने पुरजोर शोर के नाल पंजाब के विकास के लिए काम करेगी। फगवाड़ा तो इंडिया न्यूज़ के लिए राजेश के नाल दिनेश शर्मा।